जानिए। श्योपुर जिला अस्पताल में डॉक्टर और मरीजों के बीच आए दिन विवाद होता रहता है। विवाद की घटनाओं के पीछे जो असल वजह है वो अस्पताल की बिगड़ी हुई व्यवस्था है। आपको बता दें कि श्योपुर निवासी कमल किशोर मित्तल की सुबह अचानक तबियत बिगड़ने के बाद परिजन उन्हें जिला अस्पताल लेकर गए, जहां ड्यूटी पर मौजूद डॉक्टर दिलीप सिंह सिकरवार आराम फरमा रहे थे और उन्होंने मरीज को देखने में आनाकानी की। इसी बात से नाराज परिजन भड़क गए और उन्होंने अस्पताल में हंगामा खड़ा कर दिया। वहीं डॉक्टर ने मरीज के परिजनों पर गाली गलौज करने और गिरेबान पकड़ने का आरोप लगाया। उधर मरीज के परिजनों का कहना है कि जब किसी परिचित व्यक्ति को फोन लगा रहे थे तब डॉक्टर ने उनका मोबाइल छीनकर तोड़ दिया और पुलिस बुलाकर झूठे केस में फंसाने की धमकी देने लगे। इस विवाद के बाद दोनों पक्ष थाने पहुँच गए और एक दूसरे पर आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांग को लेकर आवेदन देने लगे। आपको बता दें कि श्योपुर अस्पताल में भी 22 मई को डॉक्टरों की लापरवाही के चलते और समय पर इलाज नहीं होने से एक व्यक्ति की मौत हो गई थी। श्योपुर अस्पताल की स्वास्थ्य सुविधाओं को सुधारने के लिए नहीं तो प्रशासन ध्यान दे रहा है और ना ही कोई जनप्रतिनिधि। इसका खामियाजा शहर की जनता को चुकाना पड़ रहा है। 21 तारीख को जो केस दर्ज करवाया था बड़ौदा थाने में, उसमें क्या उस दिन गिरफ्तार कर लिया था लड़के को, लेकिन इन्होंने छोड़ दिया। उसके बाद छोड़ने के बाद दो दिन बाद इसने फोन किया हमें गाली गलौज की मामान जान से मारने की धमकी। क्या कह रहा है वो, क्यों परेशान कर रहा है? अभी पहले इनके साल डेढ़ साल से कोई प्यार का चक्कर था और वो इससे शादी करना नहीं चाहता। इसके रिश्तेदार मना कर दिया कि नहीं करेगा और ये भी मना कर दिए, लेकिन वो यूँ कह रहा कि ज़बरदस्ती शादी करके तेरे को मंडप से उठा के ले जाए और तेरे मामान को जान से मार दिया। तो क्या कदम उठा लिया गुड़िया ने? अब इसने उनने छोड़ दिया उठाने, मतलब गिरफ्तार किया था जो छोड़ दिया, तो इसने जो दवाई दी थी इसके पेट के दर्द की पूरी शीशी दिल दी कि मैं मरना चाहती हूँ, बस कार्रवाई नहीं कर रही पुलिस वाले। अब कैसी तबीयत है गुड़िया की? अब अभी यहाँ बढ़ती करी है, थोड़ा आराम है। क्या मामला है सर, पूरी आप बात बताइए। सुबह 8 बजे की बात है, जो कि मैं रात नाइट ड्यूटी में वहाँ पदस्थ था 11 नंबर रूम में जिला अस्पताल में, और उस समय यश मित्तल और गोपाल मित्तल अपने पिताजी को लेकर के आए, तो हमारे स्टाफ के लोगों ने कहा कि आप इन्हें यहाँ टेबल पर लिटा दीजिए, अभी चेक करवाते हैं, डॉक्टर साहब को बुला करके। मैं अपने डॉक्टर ड्यूटी रूम में अंदर था, तो ये स्टाफ को अभद्रता करते हुए किसी की न सुनते हुए अंदर अचानक डॉक्टर ड्यूटी रूम में आए और बोला कि जा कर के चल के चेकअप करो, यहाँ ड्यूटी करने आते हो क्या, अस्पताल रूम में अंदर बैठने के लिए आते हो? मैंने कहा बाहर चलो मैं आ रहा हूँ 2 मिनट में। इस पर उसने मेरी कॉलर पकड़ ली और मेरे साथ छीना झपटी की, जिसके कि मेरे गर्दन और चेहरे पर उसके नाखूनों के निशान है, मेरी शर्ट के बटन टूट गए। फिर इस पर बात आवाज़ हल्ला गुल्ला हुआ तो और लोग भी इकट्ठे हुए, तो बड़ी मुश्किल में उन्हें डॉक्टर ड्यूटी रूम से बाहर निकाला गया और लड़ाई झगड़ा की बात आई, उन्होंने धमकी भी दी और हम मेरे स्टाफ को भी पीटा, और इसके बाद जब उन्हें पुलिस को बुलाया तो फिर भाग खड़े हुए सारे लोग और झूठा आवेदन बना करके पुलिस थाने में भी हमारे प्रति शिकायत करके किया है। फिर बाद में हम लोग थाने में और SP साहब को आवेदन दिया है और डॉक्टर प्रोटेक्शन एक्ट और शासकीय कार्य में बाधा में कार्रवाई के अंतर्गत हमने कानूनी प्रक्रिया के अंतर्गत कार्रवाई की मांग की है। अगर ऐसा नहीं होता है तो आगे से फिर हम सारे डॉक्टर काम नहीं कर पाएंगे इन हालात में, क्योंकि पिछले 8 महीने भर में 3 बार ये डॉक्टरों के साथ ऐसी घटनाएँ की जा चुकी है। इससे पहले 4 दिन पहले डॉक्टर करोलिया के साथ भी ऐसी घटना हुई थी, उससे पिछले महीने और भी डॉक्टर ड्यूटी रूम में थे उनके साथ ऐसी घटना होगी। मरीजों के परिजनों का ये आरोप है कि डॉक्टर पेशेंट उनका पैरालिसिस ग्रस्त था, उसके पेशेंट खुद चल करके आया और खुद चल के अपने पैरों पे गया है, अस्पताल से थाने में भी 2 घंटे तक बैठा रहा, अस्पताल में खुद अपने पैरों, पैरालिसिस का पेशेंट तो कभी जगह पर से हिल भी नहीं सकता, मरीज खुद अपने पैरों पर चल के आ रहा है और थाने तक चल के गया, थाने में भी हमने बैठा हुआ देखा है। थैंक यू। ये पांडुला की लड़की रहने वाली है, जिसके लड़की के माता पिता ने इस लड़की से, एक हनुमान नाम के लड़के का, उसी समाज का लड़का है, उससे शादी करने की बात करी थी, तो लड़की उसी लड़के से शादी करना चाहती है और लड़का कुछ कारण ये भी बताया है कि मैं इस लड़की से शादी नहीं करूँगा। ये मामला था, आवेदन दिया था जिसकी जांच कर रहे हैं। आज ये लड़की ने सुसाइड करने का प्रयास किया है सर, इस संबंध में बयान दिया जा रहा है जैसा बयान सुनने को चाहता है।